ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं आसिम असर साहब के वोकल्स को, उनके ट्रैक को हम सुनने वाले हैं। और तकरीबन मैं अभी डिस्क्रिप्शन देख रहा था, इस ट्रैक को बनाने में उनका हाथ हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा रहा है, ठीक है। उन्होंने ही गाया है इस ट्रैक को, म्यूजिक कंपोज उन्होंने किया है, प्रोड्यूस किया है शायद उनके भाई ने, कासिम अजहर यहाँ पर लिखा है तो मुझे लगता है कि उनके भाई होंगे। मेलेडी एंड लिरिक्स हसन अली और आसिम अजहर साहब, ठीक है। इस ट्रैक के बारे में बात करूं तो इस ट्रैक का नाम है सिंफ आहान। ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो और बाकी वीडियोस को भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इस ट्रैक को हम देखते हैं, इसकी विजुअल्स, इसकी ऑडियो के बारे में, इसके लिरिक्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में हम एंड पे अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन पहले हम अच्छी तरीके से पहले सुन लेते हैं, ठीक है, सुनते हैं। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, क्योंकि पहले ही वोकल से स्टार्ट हुआ है। हाथ है दुनिया, यमुना भी होने वाली है यार, क्रेडिट्स में लिखते नहीं है यार। सज्जन अली भी हैं। किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले, इसमें बहुत सारे लोग होने वाले हैं। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए इंटरेस्टिंग सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। आप कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट वाला वो वाला अच्छे गाने में। अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे, अब हमें बहुत ही बढ़िया गाया है। ये वो है ना एंथम की, नेशनल एंथम की मेलोडी। पाए कर ले खुद से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर, हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मैं मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म, हाँ दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, अच्छा लिखा है, अच्छा कंपोज किया है, और उससे बढ़िया अच्छा गाया है। कर बुलंद परचम से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए, अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे, अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ ओके गाइस, तो इसमें ना बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस की फीचरिंग थी इस वीडियो में, ठीक है, तो इतने सारे लोगों का नाम कहाँ डिस्क्रिप्शन में टाइटल में लिखते हैं,
ठीक है, या नीचे लिखा हो मैंने पढ़ा ना हो, ठीक है, मैं वहां पर ज्यादा फोकस करता हूँ जो टाइटल नहीं होता उस पे। तो इसमें इतनी सारी एक्ट्रेसेस थी तो ये फिट भी नहीं होता वहां पर, तो मुझे पता नहीं था कि इसका मुद्दा ये होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ वो थीम था गाने का, और ये देखकर अचानक से ना मुझे काफ़ी सही लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर विजुअल्स के बारे में बात करेंगे तो जो लिरिक्स कह रहे थे वही वो दिखा रहे थे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। ठीक है, वो दिखा भी रहे थे कि हर एक फील्ड में कोई भी मुश्किल आ जाए सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां। जो गा रहे थे उसे अच्छी तरीके से दिखाया भी, ठीक है, विजुअल्स भी बहुत ही ज़्यादा सही लगे मुझे। हम ऑडियो के बारे में बात करें तो कहने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा गाया आसिम अज़हर साहब ने, ठीक है, उनके वोकल्स में वो जो दर्द छुपा है ना मुझे वो बहुत ही सही लगता है, उनकी वॉइस बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। कंपोजिशन काफ़ी सही थी, लिखा भी बहुत ही सही गया था। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।